अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह हम लोग फोटोशॉप में प्रीसेट क्रिएट कर सकते हैं, मतलब अपने एक क्लिक से हम अपनी पिक्चर को किस तरह एडिट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपने जाना है फ़िल्टर, और यहाँ से आपने जाना है कैमरा रॉ फिल्टर्स में। यहाँ से आपने अपनी पिक्चर में सबसे पहले बिफ़ोर एंड आफ्टर ओपन करना है। ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बिफ़ोर और ये आफ्टर आ रहा है। उसके बाद आपने अपनी इमेज की थोड़ी सेटिंग को कर लेना है। यहाँ से आपने इसको 5 पे कर देना है टेम्परेचर, और टिंट को आपने -6 पे कर देना है। और उसके बाद आपने एक्सपोजर को थोड़ा सा माइनर सा कम करना है 0.10 पे, और कंट्रास्ट को आपने इंक्रीज़ कर लेना है, यहाँ पर आप 15 कर दें। शेडोज़ को आपने 10 कर दें, और वाइट को भी आप 15 कर दें, और इसको आप थोड़ा सा कम कर दें ब्लैक्स को। क्लैरिटी आप अपनी इमेज की बढ़ा लें जितनी आपकी इमेज के मुताबिक अच्छी लगेगी। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पर डिटेल्स में, और यहाँ से आपने नॉइस रिडक्शन ओपन करना है। यहाँ से आपने नॉइस रिडक्शन को रख लेना है 50, ल्यूमिनेंस को रख लेना है 60 टू 65 तक आपको जो अच्छा लगे। उसके बाद ल्यूमिनेंस कंट्रास्ट को आपने 50 रख लेना है। उसके बाद ये आपकी मेन चीज़ है, यहाँ से आपने अपनी इमेज के कलर सेलेक्ट करना है। इसमें आपने आके सिर्फ दो कलर्स को छेड़ना है, एक रेड को और एक येलो को, बाकी किसी कलर को नहीं छेड़ना आपने। और रेड को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँगा। उसके बाद आपने जाना है सेचुरेशंस में, और यहाँ से आपने अपनी इमेज में उन कलर को ख़त्म कर लेना है जिसको हमने ब्लैक में कन्वर्ट करना है। अब इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। ब्लूज़ को मैं थोड़ा सा रखूँगा, और उसके बाद ये बाकी सारों को मैं ख़त्म कर दूँगा। ऑरेंज को इंक्रीज़ कर लूँगा, येलो को भी थोड़ा सा सिर्फ रखूँगा ताकि थोड़ी इमेज में लुक आए। रेड का मेरी इमेज में कोई काम नहीं, तो बेशक मैं इसको ख़त्म भी कर दूं तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने जाना है इफ़ेक्ट्स में, और यहाँ से आपने अपनी इमेज में ग्रेडियंट क्रिएट करना है। और इसके लिए थोड़ा सा आपको ग्रेडियंट, अगर आपने फेड इंक्रीज़ करना है तो आप वाइट में इसको कर सकते हैं, और ग्रेडियंट ब्लैक में करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा माइनस में लें। उसके बाद यहाँ से आप अपनी इमेज के मुताबिक सेट कर लें। आपने यहाँ से थोड़ा सा रखना है इसको, क्योंकि हमने भी एक फेड और देना है अपनी इमेज में। यहाँ से आप इसको सेट करने के बाद आपने जाना है यहाँ पर टोन कर्व्स में। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, एक यहाँ पर डॉट लगा लेना है, और यहाँ से जहाँ से ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है आपने यहाँ से थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ करना है ऊपर की तरफ। आपकी इमेज में आपको नज़र आ रहा है एक फेड क्रिएट हो चुका है, और यहाँ से इसको थोड़ा सा कम कर दें। अब ये आपका फुल क्रिएट हो चुका है। अब आपने इसको सेव करना है, तो सिंपल यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर सेव सेटिंग सेव, और यहाँ पर आपने कोई भी नाम लिख लेना है। मैं ये नाम लिख लेता हूँ वैसे ही, और ये सेव हो गया। अब आप इसी को अपनी दूसरी इमेज पे किस तरह कर सकते हैं एक क्लिक से। तो ये मेरी दूसरी इमेज है, यहाँ मैं फ़िल्टर्स पे जाऊँगा और कैमरा और फिल्टर में जाऊँगा, और यहाँ से आपने जाना है इस आखिरी प्रीसेट्स में। ये मेरे आई है यहाँ पर जो मैंने प्रीसेट क्रिएट किया, ये आप लोग देख सकते हैं। अब मैंने बिफ़ोर आफ्टर आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, और ये सिर्फ एक क्लिक से मैंने किया है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहते हैं, अगर आपकी इमेज के ऊपर ये फ़िल्टर सही नहीं लग रहा तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप जो सी अपने इमेज के मुताबिक सेटिंग करना चाहते हैं आप इसमें वो सेटिंग भी कर सकते हैं। तो आज की मेरी यही वीडियो थी कि किस तरह हम लोग एक क्लिक से अपने पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।